I change many people. This our change one light is this is our money. अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे इधर हुकमरान अंग्रेज होना चाहिए. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमारे मुल्क तभी सवरना चाहिए, सवर सकता है. अंग्रेज आना चाहिए. अच्छा देखे ना, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ इतनी प्यारी है आपके सामने. कैसे हो IML देखने वालों? सब ठीक ठाक है. आई होप अच्छे ही होगे. मैं भी अच्छी हूँ. वेरी गुड. तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई पाकिस्तान में पानी भी नहीं है यार. अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इनको उठा ले. क्या करे, बेचारों का दुख खत्म नहीं होता. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. पाकिस्तानी रिपोर्टर निमरा अहमद गई है पाकिस्तानी आवाम के बीच उनकी राय लेने. अच्छा तो चलिए अपन भी मजे लेते हैं. चलो चलो चलो. व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस जन्म ले चुके हैं. इसी में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पंजाब का पानी भी बंद कर दिया जाएगा. पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में पानी बंद किया जा चुका है और लोगों को बहुत ही मुश्किल से पानी मैसर हो रहा है. इसी में हुकूमत ने पानी का क्राइसिस भी पाकिस्तान पर ला कर खड़ा कर दिया है. और एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी की जानिब से वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी इंडिया की जानिब से, और 90 दिन का पाकिस्तान को टाइम दिया जा रहा है. क्या इफेक्ट होने वाला है पाकिस्तान का, और क्या पाकिस्तान अपने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कुछ इकदाम करेगा या नहीं करेगा, जानेंगे हम लोगों से. मेरे साथ ठीक है. इंडिया वाले देखे ना पानी को देते हैं, आप कहते हैं ना इंडिया के खिलाफ है सब लोग. देखे पानी वहां से तो ये पानी आता है यहाँ. अच्छा तो लोग कहते हैं इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे. आई थिंक आई चेंज मनी पीपल इज दिस आर चेंज वन लाइट इज दिस इज आर पानी. अरे कहना क्या चाहते हो? ओके राइट. अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि मतलब हम लोग इंडिया से पानी ले? पानी इंडिया से नहीं लेने. मैं कह रहा हमारे इधर हुकमरान अंग्रेज होना चाहिए. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमारे मुल्क तभी सवरना चाहिए, सवर सकता है. अंग्रेज आना चाहिए. अच्छा देखे ना, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ इतनी प्यारी है आपके सामने. इसकी इंग्लिश भाई रिपोर्टर को भी समझ में नहीं आई. और नहीं तो क्या? और पानी ये कौन सी इंग्लिश है? पता नहीं. अंग्रेज हुकूमत करेगा बस, साले अंग्रेज तेरा फूफा लगता है. फिर बेचारे शहबाज शरीफ का क्या होगा? मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और ऐसी इंग्लिश बोलने वाला अंग्रेज मिलना नामुमकिन है यार. असंभव. ऐसे इंग्लिश स्पीकर सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलते हैं. बात तो सही है. तो देखे ना आई जस्ट कांट लाइट इज देयर. बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो. अच्छा सर आप मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कि अंग्रेज हुक्मरान यहाँ पर होने चाहिए थे. आप देख रहे हैं सर हमारे हुक्मरान ये कह रहे हैं कि पानी पंजाब में बंद कर दिया जाएगा. अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर डैम बनाए जा रहे हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं हम दोनों? मतलब मैं क्या अकेला कैसे मुकाबले कर सकता, मुझे काम पसंद है, अल्लाह ताला का शुक्र है, बिस्मिल्लाह मैं करूंगा. देखे ना मुझे ना पतंगबाजी का बहुत शौक है. अच्छा छोटे होते मैं गुटियां पकड़ता था. कोई बात नहीं. मुशरफ का दौर, मैं आपको एक बात बताऊं, सही बात है. देखे ना मुशरफ का दौर कितना अच्छा होता था. अच्छा। और इतना माशाल्लाह चीजें बहुत सस्ती होती थी. अब लोड शेडिंग भी मुशरफ के दौर में बड़ी होती थी. लोड शेडिंग भी होती थी, चीजें तो सस्ती होती थी ना. अच्छा। 10 साल उन्होंने 10 साल हुकूमत की है मुशरफ ने, मगर चीजें तो सस्ती होती थी, इतना मुझे पता है. देखे ना आई थिंक आप इस बात को फॉलो कीजिएगा ना, दिस वन चेंज इज लाइफ. कमी इन साइड देयर. देखे ना हंसे, मैं भी आपको बता रहा हूँ. अच्छा सर अगर मैं इंडिया के हुक्मरानों की बात करूं तो क्या कहेंगे, उनके मुल्क में डैम की बात करूं तो क्या कहेंगे? फिल्म के ये बात है. लेकिन फिल्म दसी का नाम भी बनाया मैंने. क्या 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 बोला? फिल्म दसी का नाम भी बनाया मैंने. फिल्म दसी का नहीं, मुझे डांस भी करना आता है, डांसर भी हूँ. और फिल्म दसी का नाम भी मैंने ऊंचा किया है. आपने? हाँ जी. आपको नहीं पता इस बात का? अबे साले कौन सी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा है मेरे भाई, रिपोर्टर तो जानती नहीं तेरे को, कहाँ से आया है तू? तो डांस भी मुझे करना आता है, मैं घर में करता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो आप क्या कह रहे हैं, टैलेंट की कदर नहीं करते? टैलेंट की कदर नहीं करते. और देखे ना टैलेंट मेरे पास हर हीरो का है. आपने सबसे पहले घबराना. हाँ जी. क्या टैलेंट है? मैंने 10 साल लगाए हैं डांसिंग में. तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष. और देखे ना अपना क्लियर आगाज किया. देखे ना वहाँ के जो टैलेंट की कदर होती है, इंडिया में टैलेंट की कदर है. देखे इंडिया चले जाए. नहीं 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 नहीं, देखे ना जब चांस मिलेगा मिल ही जाएंगे ना. देखे लोग भी कदर करेंगे, जब कोई ना कोई आएगा तो कदर कर ही देगा. देखे ना कदर करनी चाहिए, मैं लेडीज की भी कदर करता हूँ, आपकी भी मैं कदर कर रहा हूँ. बंद करो. हम अपनी अगर बात करें अपनी इकोनॉमी की, तो हमारी इस टाइम इकोनॉमी कहाँ पर है? हम 100 की लिस्ट से भी बहुत पीछे है. और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है.
आगे सुनने में आ रहा है चाइना को और यूएस को भी बीट कर जाएगा कुछ आने वाले सालों में। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तरक्की कर रहा है, अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रही है हमारी, डेवलप कंट्री तो है ही नहीं हमारी, डेवलप कर रहे ही नहीं रहे हम लोग। क्या बात है सर, हमारे मुल्क में ना हमारे एयरपोर्ट सबने है वो भी गिरवी रखवाए हुए हैं, हमारा यूएस में जो हमारा हमारे जो होटल्स है वो भी, उसके अलावा हमारे जो सी पैक मंसूबा है वो भी हमारा नहीं है, हम शुद्ध गरीब है, ऑरेंज लाइन ट्रेन, उसके अलावा मेट्रो बस ट्रेन भी बंद होने के दहाने, बिल्कुल ये सब कुछ हमारा है ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, कोई एक बताएगा हमारा मुल्क किस लिहाज से तरक्की कर रहा है? हाँ, बच्चे पैदा करने के लिहाज से तरक्की हो रही है पाकिस्तान में, ये बात है, पाकिस्तान में इस चीज की तो भरपूर तरक्की हो रही है, एक एक घर में आपको 10-10 बच्चे नजर आ रहे होंगे, 5-5 बच्चे नजर आ रहे होंगे, और किसी चीज की तरक्की नहीं हो रही, इन कामों में तरक्की हो रही है। और हाँ, चोरियां चकारियां जो होती है वो बहुत ज्यादा है हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया दोबारा से। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे और हम ये कही जाएंगे कि नहीं हमें उसका अजर मिलता रहेगा और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, हम बैठे रहेंगे सिर्फ, तो ये चीज नहीं होने वाली। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए तरक्की करें, अच्छा सोचे। हमारा IT सिस्टम जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अगर हम इंडिया का IT सिस्टम देखें तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, मोदी जी, और दूसरी साइड में अगर हम एजुकेशन लेवल देखें इंडिया का, तो हम वहाँ का जो 5वीं का बच्चा ना यहाँ पर अगर MA भी किया होगा ना, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती होगी जितनी अच्छी उसको इंग्लिश आती है, नहीं उन्होंने अकल पर पर्दे डाले हुए हैं। तो ये चीज छोड़ दें और अपने मुल्क को जो चीज सही है ना उस पे काम करने की कोशिश करें। जिस तरह इंडिया को देखे, हमारा जो है वो पड़ोसी मुल्क है, वो काम कर रहे हैं, हमारे एक दिन बाद आजाद हुए थे। चल झूठा, अरे वाह बेटा, राज कर दे। मैं तो इसको समझदार समझ रही थी यार, लेकिन एक दिन बाद आजाद हुए थे। इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले मनाने से कोई पहले आजादी नहीं मिल जाती, समझ में आया? और तुम तो आजाद भी नहीं हुए थे, तुम तो पैदा हुए थे सालो। पाकिस्तान में लोग कितनी भी समझदारी की बातें कर ले, लेकिन लास्ट तक तो आ ही जाते हैं यार, थोड़ा जज्बे वाला नशा करके। सही बात है, बहुत दिन पीछे चल रहे हैं, बहुत दिन के बहुत सालों पीछे चल रहे हैं, वहाँ पर इतना काम हो रहा है। हम अच्छा हम कहते हैं एक दिन बाद वो आजाद हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी 15 अगस्त ही है, ऐसा ही है। 2 साल हमने 15 अगस्त मनाया था, फिर बाद में चेंज करके हमारा 14 अगस्त किया गया था। लेकिन अब जो मतलब कि जितनी भी हमारी यूथ है उसको ज्यादातर ये नहीं पता, न्यू यूथ जो है उसको तो पता नहीं, और पुराने जो है उनमें से भी कुछ है गिने चुने जिन्हें पता है ये बात। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं स्पेशली सऊदी अरेबिया और उसके अलावा दुबई, अरब अमारात जो है, इस साइड में भी जितने भी लोग वो जितने भी हैं सब इंडिया को सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को डेवलप कर रहे हैं, ना कि अपने मुल्क को वो बैक पे लेकर आ रहे हैं। हम जो हैं हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बाहर से डोनेशन मिल जाए और उसको भी हम अपने खजानों में भर लें, ना कि हम अपने मुल्क पे अपनी आवाम पे सर्व करें। तो ये था वीडियो। पाकिस्तान में पानी भी नहीं है पीने को, गैस भी नहीं है, खाना किस पे बनाएं, कितना प्रॉब्लम है यार। तौबा तौबा, फिर भी ये लोग जहालत से बाज नहीं आते। वो एक येलो टी शर्ट वाले भैया तो अलग ही टैलेंटेड थे, से रिपोर्टर सवाल क्या कर रही थी, अपने ही टैलेंट की गा रहा था। बंदे के टैलेंट की कदर करो, वो तुम्हारे पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा, आसमान की ऊंचाइयों में। और एक बात से मैं एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान बच्चे पैदा करने में तो आगे है यार, ये तो मानना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।